नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का बोल स्काई में स्वागत करती हूँ। हनुमान जयंती 31 मार्च को पूरे देश में मनाई जाएगी। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान बजरंग बली की पूजा में कई नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ पूजा और नियमों के बारे में जिनका बजरंग बली की पूजा में खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भगवान हनुमान के भक्त हैं और उनकी जयंती के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बता दें कि पूजा आरंभ करने से लेकर समाप्ति तक घी का दिया जलाना अनिवार्य है। साथ ही भगवान की पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने, बल्कि लाल रंग या पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान को भोग के साथ सिंदूर का भी चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत का पालन करते हैं तो नमक का सेवन न करें। वहीं जो भी वस्तु आप दान में दें, विशेष रूप से अगर आप मिठाई दान कर रहे हैं तो उस दिन स्वयं मिठाई का सेवन ना करें। उनकी जयंती के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। बात की जाए भोग बनाने की, तो अगर आप घर पर ही प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं तो बेहद शुद्ध रूप से बनाएं और उनमें शुद्ध घी का भी प्रयोग करें। वहीं अगर आप भोग नहीं बना रहे तो उन्हें गुड़ चने का भोग भी लगाया जा सकता है। बजरंग बली को मीठे पान चढ़ाने का भी विधान है। अंत में उन्हें तुलसी चढ़ाकर भोग को पूर्ण करना आवश्यक है। तो प्रभु जयंती के दिन इन नियमों का दृढ़ता से पालन कर आप व्रत पूजा का फल प्राप्त करेंगे और सुख समृद्धि पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।